प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, दिल्ली कार्डियोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली। आज हम लोग का कॉलबिन तालुकेदार कॉलेज की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी मिस्टर प्रभाकर जी ने और डॉक्टर किया साहब ने, एंड इट वाज अटेंडेड बाय मेनी पीपल। लेकिन मैं थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन मैं फिर भी एक पब्लिक के लिए एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। साथ में डॉक्टर चिन्मय गुप्ता है। हार्ट अटैक और एंजाइना एक महत्वपूर्ण बीमारी है और एक जानलेवा बीमारी है, उसमें कैसे रोकथाम करना जरूरी है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तो मैं ऑल दो पब्लिक इस समय चली गई है, लेकिन फिर भी थ्रू दिस लाइव आई वुड लाइक टू गिव माई इंफॉर्मेशन। यू कैन कम लिटिल क्लोजर। तो ऐसा है कि हार्ट अटैक का मतलब होता है कि दिल का दौरा। दिल का दौरा का मतलब होता है हार्ट के अंदर जो तीन नसें होती हैं, धमनियाँ जिसे कहते हैं, उनमें किसी में ब्लॉकेज आ जाए। हार्ट के अंदर तीन धमनी होती हैं जो हार्ट को सप्लाई करती हैं, उनमें अगर ब्लॉकेज आ जाता है तो दिल का दौरा पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल जमने से होता है, खून का थक्का जमने की वजह से होता है। अभी कोविड के समय कई मरीजों को दिल का दौरा आकस्मिक पड़ा है क्योंकि खून गाढ़ा हो गया था, यानी कि थ्रोम्बोजेनिक पोटेंशियल बढ़ गया था। तो ये बीमारी बहुत पुरानी है अब, लेकिन इसका इलाज आ गया है। मैं दो तीन बातें बताऊंगा। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनकी दिल के दौरे से मृत्यु हुई, उसमें तीन बड़े कलाकार जिसमें मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार, वो 1980 और 1987 और के आसपास के बीच में, उस समय हार्ट की बीमारी का इलाज इतना अच्छा नहीं था। अब इस समय जो 2022 चल रहा है, मैं फ्रांस में ट्रेनिंग करता था, मैं कॉलबिन तालुकेदार कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ लखनऊ से, और आज तारीख है 20 फरवरी 2022 और इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ ऑफिसर्स मेस में। तो मैं पब्लिक को ये दिखाना बताना चाह रहा था कि अगर हम दिल की पहले से रोकथाम करने की तरीके कोशिश करें, हर 40 साल का व्यक्ति या 35 साल के व्यक्ति को अपने दिल की जांच कराते रहना चाहिए, क्योंकि ये आपाधापी का दौर चल रहा है। जो 1980, 90, 95, 2000, अब 2022 में कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, लाइफ फास्ट हो गई है, जंक फूड का इस्तेमाल होने लगा है, ऐसे कंडीशन में हार्ट के अंदर नसों में कोलेस्ट्रॉल जमने की संभावनाएं बढ़ती है। अब कैसे पता लगेगा? हमारे पास तीन तरह की जांचें अवेलेबल हैं। सबसे महत्वपूर्ण जांच है, लोग जानते हैं, ईसीजी। ईसीजी हर आदमी करा लेता है और ईसीजी नॉर्मल आता है। मैं बताना चाहूँगा, ईसीजी एबनॉर्मल आ गया तो दिल का दौरा है, अगर नॉर्मल आ गया तो आपकी दिल की बीमारी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि 100 में से अगर 100 मरीज हैं हार्ट के, तो 95 केसेस में ईसीजी नॉर्मल रहेगा। तो यानी कि केवल ईसीजी नॉर्मल आने से आपको ट्रीटमेंट पूरा नहीं होता, डायग्नोसिस पूरी नहीं होती। सेकंड होता है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी अल्ट्रासाउंड होता है, जो हार्ट का अल्ट्रासाउंड करते हैं हम लोग, थोड़ा और पास आ जाइए। तो हार्ट का अल्ट्रासाउंड जब करते हैं तो उसमें हार्ट की पंपिंग पता लगती है, और हार्ट के अंदर जो वैल्व होते हैं, चार वैल्व होते हैं हार्ट के अंदर। हार्ट एक बड़ा स्पेशल स्ट्रक्चर है जो हर समय धड़कता रहता है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक हार्ट कॉन्स्टेंट काम कर रहा होता है। तो इको से पता लगता है कि हार्ट के अंदर पंपिंग कमजोर तो नहीं हो गई है। अगर कमजोर हो गई है तो पुराना दिल का दौरा हो सकता है। तीसरी जाँच होती है ट्रेडमिल टेस्ट। मशीन पर दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और ईसीजी देखते हैं, उससे भी ब्लॉकेज के बारे में पता लग जाता है। लेकिन केवल उसमें भी 70% ब्लॉक अगर होगा, हार्ट, मैंने बताया हार्ट के अंदर तीन धमनियां होती हैं, नसें होती हैं, उसके अंदर ब्लॉकेज अगर 30%, 40%, 50%, 100%, तो 100% हुआ था दिल का दौरा पड़ता है। लेकिन 70% के ऊपर का ब्लॉकेज होगा वो ट्रेडमिल टेस्ट से पता लगेगा। 70% से नीचे का ब्लॉकेज पड़ा हुआ है वो ट्रेडमिल टेस्ट से नहीं पता लगेगा। अब इसका मतलब है हमने सारी जाँच कर ली, ईसीजी कर लिया, इको कर लिया, टीएमटी कर लिया, तीनों नॉर्मल आ गया। तो मरीज पूछता है क्या मैं ठीक हूँ, तो मैं कहूँगा अभी पूरी तरह जानकारी नहीं हुई है। अब या तो एंजियोग्राफी की जांच एक ऐसी जांच होती है जहाँ पे हार्ट की नसों को अच्छी तरह से क्लियरली दिख जाता है टेलीविजन पे कि ब्लॉकेज 10%, 20%, 30% है कि नहीं है। लेकिन सबकी एंजियोग्राफी की जाँच कब करनी चाहिए? एंजियोग्राफी की जाँच तब करनी चाहिए जब किसी को छाती में दर्द हो रहा हो, एंजाइना हो रहा हो, बीमारी पुराना दिल का दौरा पड़ चुका हो, सांस फूलती हो, पसीना आता हो। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति जिसको ये सब कुछ नहीं हो रहा है, उसके लिए टीएमटी नॉर्मल आ गया लेकिन 50% ब्लॉक हो सकता है, उसके लिए हम लोग को एक नई जांच है सीटी स्कैन, हार्ट का सीटी स्कैन, उससे 20% ब्लॉक भी पता लग जाता है। अब अगर पता लग गया तो क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि हम दवाइयाँ दे देते हैं, ऐसी दवाई देते हैं जो कि ब्लॉकेज बढ़े ना।
डॉक्टर चिन्मय गुप्ता कुछ बताएंगे इस बारे में कि अब दिल के दौरे में एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी का कितना महत्वपूर्ण रोग है। नहीं बिल्कुल, जब एंजियोग्राफी करके व्हेन यू गेट टू नो अबाउट द हार्ट डिजीज एंड कितना कोलेस्ट्रॉल जमा है, कितना ब्लॉकेजेस हैं आर्टरीज में, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, राइट कॉर्नरी आर्टरी, देन एंजियोप्लास्टी करना इज लाइफ सेविंग। वहाँ पे उसमें कितने स्टेंट्स लगाने हैं वो एंजियोग्राफी की रिपोर्ट के बाद पता चलता है। एंड स्टेंट लगा के फिर आप उसको आप मतलब एक तरह का लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। एंड उसके बाद देन यू कैन लीड अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ। एंजियोप्लास्टी एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें बिना बेहोशी के, बिना ऑपरेशन के, बिना छाती को खोले हुए जांघ की नस से या कलाई की नस से एक स्टेंट हार्ट के जहां ब्लॉकेज है वहां लगा देते हैं। पेशेंट खुद होश में रहता है और टेलीविजन पे देखता रहता है। 15 से 20 मिनट या आधा घंटा लगता है और दूसरे दिन या तीसरे दिन छुट्टी कर देते हैं। बाईपास सर्जरी की जरूरत काफ़ी कम लोगों को जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं आखिरी बात ये कहना चाहूँगा, अपने हृदय का ध्यान रखिए, दिल का ध्यान रखिए, सही समय पे जांच कराइए। अगर एंजियोग्राफी की ज़रूरत है तो एंजियोग्राफी कराइए, और अगर किसी को कोई सिम्टम नहीं है और 35 साल की उम्र है, आपको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है या फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम है, ऐसे केसेस में भी आपको समय समय पर जांच कराते रहना चाहिए, जिसमें ईसीजी, इको, टीएमटी और साथ में सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी। थैंक यू वेरी मच। 20th of February 2022 ऑन इन दिल्ली, डॉक्टर विवेक गुप्ता अलॉन्ग विद डॉक्टर चिन्मय गुप्ता गिविंग सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द हार्ट ट्रीटमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस इज अ प्लेस We always keep on giving some information for the welfare of the people. Thank you.